I'm gonna go
ऐसा कर्म कर दिया, अब किसी की सहमति
इसलिए करते हैं कि मन मंदिर में भगवान विराजमान हो जाए, तभी तो कथा में मन लगेगा। अभी मन अपना घूम रहा है, बाजार में घूम रहा है, खेतों में घूम रहा है, तो मन को चरणों में लगाना है तो पहले भगवान का गुणार भी लगाना होगा, तब मन लगेगा। Oh,
पुस्तक नहीं है तो फिर सोचेंगे तो है क्या, क्या? यह साक्षात भगवान का स्वरूप, साक्षात कृष्ण स्वरूप है भागवत की पुस्तक। जब भगवान परम धाम जा रहे थे उस वक्त उद्धव जी ने पूछा, प्रभु आप तो जा रहे हो, हम संसारी जीवों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? भगवान ने कहा, उद्धव श्रीमद् भागवत की पुस्तक नहीं है, साक्षात मेरा स्वरूप है, मैं अपना रूप भागवत की पुस्तक में छोड़ के जा रहा हूं। इस बात को एक संत भगवान सुन रहे थे। संत भगवान ने विचार किया, गजब, ये भगवान का रूप। बाजार में गए और भागवत की पुस्तक ले आए और रोजाना पूजा करें, आरती उतारे। किसी एक भक्त ने पूछ लिया, महाराज जी तुम एक श्लोक ना जानते ही और रोजाना भागवत की पूजा करते हो, तो क्या जवाब दिया? बोले मैं इस श्लोक ना जानते, मैं बालों के जानता हूं, उस श्लोक के लिए पूजा कर रहा हूं, इस श्लोक के लिए नहीं कर रहा हूं, मुझे इस श्लोक से कोई मतलब नहीं, जानू या ना जानू मैं भगवान की पूजा करूंगा, भागवत की पूजा करूंगा, मेरा अगला जन्म सुधर जाएगा। मानव जन्म तो मिल गया और उस जन्म में यदि भगवान का भजन नहीं किया, गर्भ में रहते हैं तो क्या कहते हैं, प्रभु जन्म दो, इस नरक से बाहर निकालो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। पर माया ऐसी है कि जन्म लेते ही माया के चक्कर में बंध जाते हैं। कैसे? तुलसी बाबा ने बताया है कि भूमि परत स्वच्छ आती है,
जमीन पे आती है मलिन हो जाती है। ऐसे ही जन्म होता है तब तो कोल करार करके आते हैं माँ के गर्भ से कि परमात्मा या नरक से बाहर निकालो, हम तेरा भजन करेंगे। माया के चक्कर में आ गए, भूल जाते हैं, नौ दो ग्यारह के चक्कर में लग जाते हैं। जन्म हुआ, बड़े भाई गुटलुवन चले, माँ के पिता के लाड़ प्यार में रहे, बड़े हुए जवानी आई, विवाह हुआ पत्नी के मोह जाल में बंध गए, बच्चे हुए बच्चों की मोह जाल में बंध गए। तो बताया है क्या कि होरल काय के, समझना, होरल होरल माने बालक, होरल काय के जहोरल कहायो पीर, ओ लाला काय के दादा कहायो है, दादा कहायो बड़ दादा कहायो, और बाबा कहायो तो बाज नहीं आयो है, सब तो कहायो हरदासना कहायो है। अरे बच्चा बना, जवान बना, दादा भाई बनो, दूल्हा बनो, बाबा भी बन गया, अंतिम समय भी आ गया, पर तूने कभी अपने जीव जवान से भगवान का नाम नहीं लिया। चलो कथा की ओर चलते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्यम यतोन्वयाद कश्याते सुविसुराट तीन ब्रह्मदा आदि कवये मुयन्ति ये यत्सूरयः। जन्माद्यस्यम, जन्म से लेकर के ये तोन्वयाद आ रहे स्वराड तीन ब्रह्मादि कवये, सभी जन्म से लेकर के वर्णन करते हैं भक्ति का। तीजो वार भगवान का क्या है, तेज भगवान का है। मृदा यथ विनमय यत्तम सदगो मिताम दामना सेन सदा निष्ठोकम सत्यम परम धीमहि। सत्य कौन है, परमात्मा है। मानव सत्य नहीं है, जन्म है उसका मरण है। ये वृक्ष खड़ी है ये भी सत्य नहीं है, एक दिन आएगा टूट जाएंगे, कोई भी सत्य नहीं है। सत्य क्या है, परमात्मा। तभी तो कहते हैं पंडित जी ने कहा हमारे सत्यनारायण की कथा कह दी, नारायण ही सत्य है और कोई सत्य संसार में है ही नहीं, वो है रहे हैं रहेंगे और रहे भी हैं। धर्मे प्रोक्षति ओत्रम परमो निर्वसनाम सताम वेदम वास्तवमयम वस्तु शिवदम तापत्रयो नमूलनम। ये भागवत की कथा कैसी है, तापत्रयो नमूलनम माने तीन तरह के ताप होते हैं, कौन कौन से, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य नहीं का हुई व्यापा। तीन तरह के तापों को दूर करने वाली भागवत की कथा है। श्रीमद भागवते महामन कृते जम्बाम परमेश्वरी सद्दो हृदवरदेत कृतिम सुदुल दक्षणात। इसकी और एक विशेषता है, श्रीमद भागवत के सुनने से भगवान तक्षण कहते अतिशीघ्र ही हृदय में आ जाते हैं, कथा सुनोगे तो भगवान हृदय में विराजमान हो जाएंगे। निगम करोर गणित फलितम सुख मुखाद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमारयो मोहरो रसिका भव भावुका। ये भागवत कैसी है, निगम कल्पतरोर गणितम फलम। एक फल तो ऐसा होता है कि हम छिलका हुआ गुठली हुए, लेकिन भागवत रूपी फल में न छिलका है न गुठली, तो फिर क्या है, रस है। पिबत भागवतम, पीना बताया है इसको, अब पीना बताया तो पिए कैसे, उसे भी समझ। पीने के लिए क्या है, कर्णपुट कान है पीने के लिए, कर्णपुट के द्वारा पियो, पर कौन पीते हैं, रसिका भोवि भावुका, रसिक और भावुक ही पिएंगे, वैसे तो आएंगे नहीं। आज दूसरा दिन है, चलो वही तो दूसरे दिन आए, कल ले चलेंगे कथा सुनने, आज समय ना है, कलू निकल जाओ, दुकान पे लिखा रहता है आज नगद कल ले उधार, कल का कभी अंत नहीं आता है। जो रसिक होंगे भावुक होंगे वही कथा में आएंगे, जैसे रामचरितमानस रसिक कौन है, रामचरित सुनिवे को रसिया कौन, हनुमान जी महाराज, रामायण की कथा के रसिक हैं हनुमान जी,
जहाँ रामायण होती है वहाँ हनुमान जी जरूर आते हैं, ये धर्म सत्य है। एक बार एक पंडित जी महाराज रोजाना रामायण कहते, एक वकील साहब आके रामायण सुनते थे रोजाना। पंडित जी महाराज आसन लगाते, आइए हनुमान जी विराजे, जब रामायण हो जाती है तो क्या करते हैं, हनुमान जी की विदा करते हैं, हनुमान जी महाराज जाओ। एक दिन वकील साहब बोले, पंडित जी हनुमान जी आते हैं आसन पर बैठते हैं, तुम रोजाना विदा करते हो, जाते हैं आते हैं। पंडित जी ने कहा, वकील साहब जरूर आते हैं, तो मैं जब मानूंगा जब मुझे दिखा दोगे। पंडित जी ने कहा, कल दिखा दूंगा। लाल आसन बिछाते हैं हनुमान जी के लिए, एक बिलस्त का लाल आसन लगाया और वकील साहब से कहा, वकील साहब तुम इस आसन को अपने हाथ से बिछाओ। वकील साहब ने वो आसन अपने हाथ से बिछाया। रामायण जब पूरी हुई, रामायण हो रही थी, पंडित जी मन ही मन में हनुमान जी का स्मरण कर रहे थे, हनुमान जी महाराज आज मेरी बात का सवाल है, आज यदि तुमने अपनी परीक्षा में पास नहीं हुए और आज ये आसन कहीं उठ गया तो आज से तुम्हारे नाम में धब्बा लग जाएगा। रामायण पूरी हुई और पंडित जी ने सच्चे दिल से कह दिया, वकील साहब इस आसन को उठा दो, आसन उठ जाएगा तो समझ लेना कि हनुमान जी नहीं बैठे हैं, और नहीं उठा तो समझ लेना कि बैठे हैं। जैसे ही वकील साहब ने आसन उठाने की कोशिश की, आसन उठाया, आसन उठाना तो दूर रहा, हिला भी नहीं। अब तो आसन जब हिला भी नहीं, वकील साहब ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। पंडित जी महाराज ने समझ गया कि हनुमान जी आते हैं, बोल हनुमान जी महाराज की। तो रावण के रसिया कौन है, हनुमान जी महाराज। ये फल ऐसा है, गलित फल है, इसमें न छिलका है न गुठली है, श्रीमद भागवत रूपी फल में कानों के द्वारा पियो इसे, क्योंकि शरीर अपवित्र है, कान पवित्र जब होते हैं जब भगवान की कथा सुनते हैं, नेत्र पवित्र जब होते हैं जब नेत्रों से भगवान की झांकी के दर्शन करते हैं, हाथ पवित्र जब होते हैं जब हाथों से दान पुण्य करते हैं, चरण पवित्र जब होते हैं जब चरणों से चल के मंदिर में जाते हैं भगवान के में, सिर पवित्र जब होता है जब भगवान के चरणों में झुकाते हैं। नेम से निमसे क्षेत्र जिसे सोन का दे, सुतत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम समागत हो। हजार वर्ष का नेमशाल क्षेत्र में समागम चला ऋषियों का, वहां क्या है नेमशाल में, उसका नाम नेमशाल क्यों पड़ा। एक दिन ऋषि मुनियों ने विचार किया कि ब्रह्मा जी हमारे लिए कुछ ऐसी जगह नियुक्त करो जहाँ कलिकाल की दाबागनी नहीं लगे। मन में कोई विचार नहीं आया, ब्रह्मा जी ने मनोमन चक्र छोड़ा, इसकी निमी जहाँ लग जाए वही नेमशाल है। चक्र गया जहाँ निमी लग गई, नोक लग गई, वो नेमशाल उसका नाम पड़ गया। एक और विशेषता है, भगवान ने निमिष मात्र में यहाँ दैत्यों का वध किया था, इसलिए नेमशाल नाम पड़ा। 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, सूजी महाराज वक्ता है, कथा सुनाने वाले, उनमें मुखिया एक को बनाया, किसको, सोनक ऋषि को। तैगलात मुनियम प्रातो सत्कतम सूत मासी ने प्रवक्षम तुज माधरात। एक दिन सोनक जी से सूजी महाराज से पूछने लगे, त्वया खल पुराणाने सेतिहासान चानगे आख्यातावधीनाने धर्मशास्त्रान यन्यत। आप धर्मशास्त्र को जानने वाले हैं, वेदों को जानने वाले हैं, हमें कथा श्रवण कराइए, क्यों हमारी जिज्ञासा है। भूरिणम भूरि कर्माणि श्रोतव्यान विभाग से अते सद्रोत यत सारम समुद्भतम मनीषयाम। सार वर्णन करो, कथा तो विस्तार है, कहां तक समझ में आएगी। सूत जानास भद्रम ते भगवास्त्वयां पते देवक्यां वसुदेवस्य जासो यस्य चकीर्षया। बसदा भगवान वसुदेव देवकी के पुत्र कहलाए हैं,
उनकी कृपा से ही सभी कार्य होते हैं। और सौनक ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे, भगवान कहाँ रहते हैं, दूसरा भगवान कैसे प्राप्त होते हैं, और भगवान की कृपा माया किस किस को नहीं व्याप्त होती है, और भगवान अनेक प्रकार के नाम है उनके, वो कैसे नामों से जाने जाते हैं, कलयुग आने पर भगवान ने भक्तों की रक्षा कैसे की, भगवान के परम धाम जाने पर धर्म कहां चला गया। तो भगवान है, धर्म है, धर्म कहां है, ये तो धर्म तत्व है। आगे अभी कथा आएगी महाभारत की। फिर सूत जी से प्रश्न किया, हमें ये बताओ भगवान के 24 अवतार कैसे हुए, कई एक अवतार है ऐसा बताया है। तुलसी बाबा ने भी कहा है कि हरे अनंत हरे कथा अनंता, भगवान की कथाएं अपार हैं, नाम अनेक हैं, इनके नाम अनेक अनुपा। आगे प्रसंग में जब आएगा, वशिष्ठ जी ने कहा था महाराजा दशरथ इनके तो अनेक नाम हैं, पर मैं निज कहूं सुमति अनुपा, फिर भी अपनी अपनी बुद्धि से सब कहते हैं। घोर कली को जान करके उसके डेक्टर से वैकुंठ के लिए भगवान ने नेमशान क्षेत्र को निरूपण किया है। तो भगवान के 24 अवतार, उन अवतारों की कथाएं कहिए, कुछ अवतार तो सिद्ध बताए गए, कुछ अंश अंश अवतार। बोले सूत जी महाराज, हमें इन्होंने कैसे अवतार हुए, किस तरह से प्रकट हुए, उन सब का वर्णन करिए। श्री राम जय राम जय जय राम। दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम अखंडितम। प्रथम शनक कुमार अवतार, शनक कुमार कौन, शनक शनंदन सनातन शनक कुमार, इस 4 नैष्टिक डम्बरों इनका अवतार हुआ। दूसरी बार 12 अवतार भगवान ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए 12 रूप धारण किया। तीसरी बार नारद जी हुए ऋषियों में देवर्षि होकर के इन्होंने वैष्णव के लिए पंचतंत्र कहा है। चौथी बार धर्म की कला नाम की स्त्री के उदर से नारायण नाम से विख्यात हुए हैं। पांचवी बार कपिल देव अवतार, सिद्ध कपिल नाम से अवतार हुआ। छठी बार दत्तात्रेय अवतार, सातवी बार यज्ञ अवतार रुचि प्रजापति के यहाँ, आठवीं बार ऋषभ देव अवतार हुआ, नवमी बार पृथु अवतार हुआ। ये पृथु महाराज का 24 अवतार में पहला नंबर है। अब सोचेंगे ऐसा क्यों, भगवान राम भगवान कृष्ण ये तो सबसे श्रेष्ठ थे, बने नहीं, पृथ्वी ने जो कार्य किया वो किसी ने नहीं किया, पृथ्वी का दोहन किया।
सभी वस्तुएं पृथ्वी में भरी हुई थी, मिल नहीं रही थी। आगे कथा आएगी, पृथ्वी महाराज ने पृथ्वी का दोहन किया, सबसे श्रेष्ठ अवतार माना है। दसवीं बार मत्स्यावतार, भगवान मछली भी बने। क्यों, कैसा बताया है कि जाकी रही जाकी भगवान वैसाई रूप धारण करते हैं। कैसे, एक बार मार्ग में अर्जुन और कृष्ण जा रहे थे, देखिए मछली भी भगवान बने। जो मछली निंदनीय है, छूने में भी कुछ छूते भी नहीं है, फिर भगवान को मछली भी बनना पड़ा, भक्त का कार्य कैसे बने। अर्जुन और कृष्ण रास्ते में जा रहे थे, एक रास्तागीर जा रहा था जिसके सिर पे घड़ा रखा था। अर्जुन ने कहा प्रभु देखो ये कौन जा रहा है। भगवान ने कहा अर्जुन हमें क्या करना, कोई रास्ता गिरा हुआ जाने दो। नहीं नहीं मैं तो देखूंगा। अर्जुन ने कहा भैया खड़े रहो। वो रास्ता गिर खड़ा रहा। क्या बात है भैया, बोले ये बताओ तुम्हारे सिर पे क्या रखा है। बोले तुम्हें दिख नहीं रहा है घड़ा रखा है। हाँ घड़ा है, इसमें क्या है घड़े में। श्याने पे भूत बंद करवाओ, तैत्यपटी पे गाड़ी में ले जा रहे। अर्जुन ने कहा भैया जब भूते मुझे दिखा देगा कैसे भूते। वो रास्तागीर बोल रहा भैया भज गए हो तो पकड़ में नहीं आओ। अर्जुन धनुष बाण लेके खड़े हो गए, तेरा भूत भग जाओ तो एक के दो दे दूंगा पर मुझे दिखाई दे। जैसे ही ऊपर से कपड़ा हटायो पारी हटाई, अर्जुन ने क्या देखा कि भगवान कृष्ण मुरली बजा रहे थे। मुरली बजाते कृष्ण को अर्जुन ने घड़े में देखा। अर्जुन ने कही भैया जल्दी बंद कर दे, एक बार मुश्किल से पकड़ में आते। लौट के अर्जुन भगवान के यहां, भगवान ने पूछा अर्जुन क्या देखा घड़े में, कि तू मुरली तो बजा रही थी, कि तू मेरी पूजा करता है रात दिन तुझे मैं दिखूंगा, और जो मेरी पूजा नहीं करता है उसे मैं भूत दिखाऊंगा। भूत कहीं नहीं है, सब मेरे ही रूप है। अर्जुन ने भगवान की प्रार्थना की कि दो वीर द्वार के, तीन वीर ता पहाड़ी, चार वीर बंदों पुन चक्र के धरैया को, पांच वीर बंदों पांच पांडव रखवारे को, और छह वीर बंदों पुन छह लयर छवैया को, सात वीर बंदों सात बैल के नथैया को, आठ वीर बंदों आठ पटरानी बरैया को, सुनो वीर बंदों नवनीत के चुरैया को, और बार बार बंदों बाबा नंद के कन्हैया को। बोल भक्त शल भगवान। वही अवतारों की ओर चलते हैं। दसवां अवतार मत्स्यावतार, ग्यारहवां अवतार कक्षप अवतार, भगवान कछुआ भी बने। क्यों, समुद्र मंथन के समय मद्राचल पर्वत को अपने ऊपर रखा, कार बनाने के लिए कछुआ भी बने भगवान। बारहवीं धनवंतर अवतार, जो कि समुद्र से अमृत कलश लेके निकले। तेरहवीं मोहिनी अवतार, भगवान ने मोहिनी अवतार भी लिया, स्त्री का रूप भी बनाया। चौदहवीं बार नरसिंह अवतार, प्रहलाद की रक्षा करने भगवान नरसिंह भी बने। पंद्रहवीं बार बामन अवतार, भगवान ने बलि को छलने के लिए बामन अवतार लिया। सोलहवीं बार परशुराम अवतार, सत्रहवीं बार पाराशर जी की पत्नी सत्यवती के उधर से व्यास जी का अवतार, व्यास जी का अवतार भी चौबीस अवतार में से है। अठारहवीं बार रामचंद्र अवतार, उन्नीसवीं बीसवीं बार कृष्ण और बलदाऊ अवतार, चार अवतार कंस केश का अवतार, सुतपा अवतार, शंकर सन अवतार,
चौथा परम ब्राह्मण के घर में बुद्ध कल्कि अवतार 24 अवतार हुए भगवान जी। सोनिका ऋषि सूत जी महाराज ये अवतारों की कथा सुनो। अब हमें व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना कर दी पर मन को शांति नहीं मिली, ऐसा क्यों हुआ? जब मन को शांति नहीं मिली तो ऐसा होता है, एक व्यास जी के हर किसी मानव की ये दशा होती है, मन को शांति नहीं मिलती तो दुखी मन से बैठ जाएंगे, अब क्या करें क्या नहीं करें, जो काम नहीं भयो। व्यास जी दुखी मन से बैठे थे, नारद जी ने उठाई वीणा, वो नारद जी चल दिए वीणा लेके कहा व्यास जी के आश्रम की ओर, श्रीमन नारायण नारायण जी दुखी मन से बैठे हुए थे। नारद जी ने कहा व्यास जी क्या बात है, क्यों दुखी बैठे हो? तुम तो महायोगी हो, तुमने तो पुराणों की रचना की है। व्यास जी बोले नारद मैंने 17 पुराण लिख दिए पर मन को शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा तुमने 17 पुराण तो लिखे हैं पर क्यों शांति नहीं मिली ये मैं बता दूं। बोले क्यों नहीं मिली? कि उन 17 पुराणों में भगवान के चरित्र भगवान की कथा विस्तार से नहीं है। महाभारत में देखो तो महाभारत में कथा कितनी है, भगवान ने गीता का ज्ञान दिया है अर्जुन को, कोई अच्छे चरित्र भगवान के तो नहीं है महाभारत में। गरुड़ पुराण में देखो, मत्स्य पुराण में देखो, तो हमें क्या करें? नारद जी ने कहा व्यास जी अब तुम श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करो और जिसमें विस्तार से भगवान कृष्ण कथा का वर्णन करना, मन को शांति मिल जाएगी। ऐसा कहके नारद जी तो चले गए। नारद जी एक जगह रुक ही नहीं सकते, किसका श्राप लगा है? दक्ष प्रजापति का श्राप लगा हुआ है नारद जी को। आगे कथा आएगी क्योंकि दक्ष प्रजापति के बालकों को नारद जी ने लंगोटी लगवाए के बाबा जी बनाए थे। दक्ष ने श्राप दे दिया था नारद घरफोरा नारद तू एक जिस समय जितना गौ का दूध दोहन होता है उतनी देर एक जगह रुकेगा, इससे ज्यादा कहीं रुक नहीं पाएगा। दक्ष का श्राप नारद को लगा हुआ है। अब इधर पे व्यास जी श्रीमद् भागवत की रचना करने लगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। भगवान कहते हैं सत चित और आनंद भगवान ही, सत्य भी भगवान ही, आनंद भी जब होगा जब भगवान हृदय में आएंगे, चित्त भी प्रसन्न जब होगा जब भगवान की कृपा होगी, बगर उनकी कृपा के पत्ता भी नहीं हिल सकता है। व्यास जी श्रीमद् भागवत की रचना करने लगे। व्यास जी ने एक श्लोक लिखा जो श्लोक है नवम स्कंध में, कामम विद्वानम मपकर्षति। इसका अर्थ क्या है? काम विद्वानों को भी आकर्षित कर सकता है, काम की माया सब पर चल जाती है, नारद जी जैसे पर चल गई। नारद जी
प्रभु की कृपा होगी तभी विजय प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा लोक लिखा यमुनि ऋषि देखो ये गलत है या सही है। यमुनि ऋषि ने देखा क्या कह रहे हो, काम विद्वानों को क्या बिगाड़ सकता है, ये गलत है। कामम विद्वानम मप कर सकती जगह पे न कर सकती होना चाहिए, न करो। व्याजी ने कहा कल कर दूंगा आज नहीं। ठीक, जहां जयमुनि ऋषि वन में रहते थे उस जगह व्यास जी ने माया को पहुंचा दिया, स्त्री गई झोपड़ी में रहे जयमुनि ऋषि। बरसात का थोड़ा समय था, फुहारें पड़ रही थी, पहुंची झोपड़ी के सामने जयमुनि ऋषि बाहर निकले। ओ ये सुंदर कहां से आ गई, तुम कौन हो, कहां से आ रही हो। व्यास जी बा मंदिर में परिक्रमा में पहले ही पहुंच गए। जयमुनि ऋषि ने विचार किया अंधेरा है, कोई दिख तो रहा ही नहीं, बन जाओ कारो मोह कर ले, घोड़े बन गए, माया को पीठ पे बैठा ले। मंदिर में पहुंच गए, व्यास जी तैयार बैठे परिक्रमा में। मंदिर में पहुंच गए, जैसे ही परिक्रमा दी घोड़ा बन के, व्यास जी ने कहा कहो जयमुनि ऋषि मैं सही है कि ना सही है, काम विद्वानों को भी आकर्षित कर सकता है। बोल भक्त शरण भगवान की जय। जब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हो गई, अब विचार किया इसे किसे पढ़ाऊं, अपन बाजार से कोई फल लाएंगे तो पड़ोसी के बच्चों को थोड़ी देंगे, अपने बच्चों को देंगे। पर व्यास जी ने विचार किया मेरा पुत्र तो है ही नहीं, सुखदेव तो वन में है, और वो आए कैसे। दो शिष्य बुलाए, इधर आओ, क्या है, तुम दोनों जाओ और जहां सुखदेव बैठा हो वहां दोनों श्लोकों को कहना। एक शिष्य ने कहा वरा पीटम नटवर वपम कर्णयो कर्ण कारकम बेजंती शमालाम गोप वृंदे वृंदारण्यम। एक श्लोक ने एक श्लोक में भगवान कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया, वो आवाज सुखदेव के कानों में गई। दूसरे शिष्य ने कहा अहो बकी स्तन का लकूटम धन्य पूतना जेल लगा के आई किंबा दयालु शरणम ब्रजे, हम फिर भी माता की पदवी दे दी। ये श्लोक की आवाज कान में पहुंची, सुखदेव खड़े हो गए, ये सुंदर श्लोक कहां से आ रही। सुखदेव जी पहुंचे, भैया कौन हो तुम, बोले हम तुम्हारे पिता के शिष्य हैं। तो ये श्लोक तुमने कहां से पढ़े, तुम्हारे पिताजी से। अरे हमारे पास तो दो ही श्लोक हैं, 18,000 श्लोकों का भंडार तुम्हारी पुस्तक के पास भरा हुआ है। अब तो सुखदेव जी के मन में इच्छा हो गई कि मैं भी चलूं। सुखदेव जी उन शिष्यों के साथ में अपने पिताजी के यहाँ चरणों में नमन किया। क्यों, भगवान राम भी करते थे, तुलसी बाबा ने बताया है कि प्रात काल उठी तेरे गोना चरणों में नमन। ये सबसे बड़ा है, नमन क्या करता है, नमन यदि करोगे चरणों में तो आशीर्वाद मिलेगा। तो चार बातें मिलती है नमन से, आयु विद्या यश और बल। अभिवादन शीलस्य निश्चित्य वृद्धो वसेवनम चत्वारते प्रवर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बुजुर्गों के चरणों में नमन करते चार बातें मिलती है, आयु विद्या यश और बल। आजकल माता पिता बुजुर्गों के चरणों में झुकने में तो शर्म आती है, और कोई नेताजी आ जाए तो छवे चरण छू लेंगे, अरे वाह नेताजी तुम तो तुम्हें हो। माता पिता को ठुकरा रहे हैं और नेता के चरणों में नमन कर रहे हैं। सच्चा भक्त वही है, सच्चा सपूत बालक वही है जो माता पिता के चरणों में नमन करता है। धन्य उस बालक के लिए
जिसने माता पिता को नमन किया, माता पिता की सेवा की। माता तीर्थम, घर में तीर्थ कौन है? माता तीर्थम, पिता तीर्थम, तीर्थम ज्येष्ठ बांधवा। घर में माता पिता और बड़ा भाई, ये तीर्थ होते हैं। आजकल तो क्या तीर्थ है? सासु तीर्थ, ससुरा तीर्थ, तीर्थ सारा साली है और चारों धाम घर। आजकल का युग ये है। आजकल माता पिता को नहीं है। चलो कथा की ओर चलते हैं। हुआ वही, सुखदेव जी ने नमन किया पिताजी के चरणों में। पिताजी आप ये श्लोक मुझे पढ़ा दो। जी ने कहा, पुत्र अभी तुम पढ़ने लायक नहीं बने हो। जैसे गुरु कहते नहीं भैया, तो तू चेला लायक बनो ना, नहीं पहले चेला तब बनाएंगे, तू परीक्षा में पास रह जाएगा। ब्याजी ने कहा, सुखदेव परीक्षा दो पहले। कैसी परीक्षा? कि जनक राजा के दरबार में जाओ, जनक परीक्षा में पास कर देंगे तो तुम्हें पढ़ा देंगे। सुखदेव जी गए जनकपुर में। महाराज जनक के दरबार भर रहा था, दरबजे पे द्वारपाल खड़े हुए थे। राजा को ये नियम होते, दरबजे पे पहरेदार द्वारपाल खड़े रहते हैं। जनक के दरबजे पर पहरेदार खड़े हुए थे द्वारपाल। सुखदेव ने कहा, भैया द्वारपालो, मुझे राजा से मिलना है, विधि राजा। अभी लो महाराज, खड़े रहो। द्वारपाल अंदर गए। महाराज महाराज क्या है? दरबजे पर एक ब्राह्मण बालक खड़ा हुआ है। आप कहें तो अंदर ले आ। राजा ने क्या जवाब दिया? अभी रुको, हम कह दें तब लाना, अभी नहीं। सुखदेव को दरबजे पर खड़े एक दिन हो गया, दो दिन हो गए। इतनी परीक्षा कोई कर सकता है? अब एक घंटा की कविते कह दे दूंगा। इतना घमंडी हो गया कि मिलता भी नहीं, चलो यहां से, अब जाके जख्म मुंह नहीं आ गए। सुखदेव जी को तीन दिन हो गए पर एक जैसे दरबजे पे खड़े रहे। महाराज जनक ने कहा, जाओ और जब लाना, जब हसम को चेहरा दिखाई दे तब लाना, नहीं मत लाना। द्वार बाल गए, घर वालों ने देखा सुखदेव जी सुख प्रसन्न मुद्रा में खड़े हसमुख चेहरा। बोले, चलो ब्राह्मण बालक महाराज के दरबार में चलो। महाराज के यहां पहुंचे, महाराज ने उठकर के ब्राह्मण बालक को नमन किया। हे विप्र बालक, आपको तीन दिन हो गए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है आपका। नहीं नहीं, सुखदेव बोले, नहीं महाराज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। पिताजी ने भेजा ही मुझे इसलिए था, परीक्षा देनी थी मुझे। सबसे बड़ी क्या परीक्षा हुई? क्रोध पर विजय प्राप्त करना। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध पाप कर मूल, लोभ कहते हैं, लोभ नहीं क्रोध सबसे बड़ा है। क्रोध आ गया तो बुद्धि विपरीत हो जाएगी, फिर किसी को नहीं देखोगे। जैसे परशुराम और लक्ष्मण, परशुराम जी को कितना क्रोध आ रहा था, लक्ष्मण जी ने कहे तुम तो रसगुल्ला खाए भाई ब्राह्मण। परशुराम को अच्छा लोटा खाने वाला समझता है, फरसा नहीं देखा है मेरा। फिर ने कह दे जी फरसा तो बेकार है, पेड़ पे चढ़ा होगा तो बेकार है। फिर गुस्सा आ जाता है तो क्रोध कर करके उनकी सारी कलाएं खींच ली भगवान ने। सुखदेव जी ने क्रोध पर विजय प्राप्त कर दिया। महाराजा जनक ने कहा, जाओ ब्राह्मण बालक, तुम परीक्षा में पास होगे। तब व्यास जी ने सुखदेव जी को 18,000 श्लोक पढ़ाए। अब व्यास जी ने नारद जी से पूछा, नारद जी ये बताओ तुम्हारा पूर्व जन्म कैसे हुआ, तुम कौन थे, तुम्हारी व्यवस्था कैसे बनी। नारद जी ने कहा, व्यास जी मैं अपनी माँ के अकेला पुत्र था, एक ही पुत्र था। अब जाके एक बालक होगा, एक लाला होगा, मैया क्या करेगी? हे देवताओं, मेरे लाला पे कोई संकट नहीं आ जाए, कोई विपत्ति नहीं आ जाए।
योगो क्षेम चाहती, रोजाना भगवान को मनाती, देवी देवतल्य मनाती। एक दिन नगर में संत भगवान की मंडली चली आई। संत भगवान गांव में आ गए, नगर में। मुझे ही, मेरी माँ को और मुझे संतों की सेवा में रख दिया। गांव वाले बोले, भैया जी सेवा करेंगे संत भगवान की, हमारे पास तो समय नहीं है। बोले ठीक है। नारद जी बोले, मैं और मेरी माँ संतों की सेवा करने लगे। संत भगवान कथा कहते, मैं कथा सुनता। मेरी माँ भोजन बनाती संत भगवान के लिए। मैं कभी कभी भोजन झूठा बचता संतों का, उसे प्रसाद समझ के मैं भोग लगा लेता, भोजन पा लेता। उससे मेरी बुद्धि निर्मल हो गई। क्यों? संतों के प्रसाद से बुद्धि निर्मल हो जाती है। संत दर्श जिम पातक करें। हनुमान जी लंका में गए, चारों तरफ भ्रमण किया लंका में। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखिए जहते पगड़ित योद्धा। तब हर मंदिर एक भिन्न विभीषण का भवन देखा। जब विभीषण का देखा तो राम नाम अंकित ग्रहे, शोभा वर्णी न जाए, नव तुलसी का वृंदावन देख हर्ष कपिराय। हनुमान जी समझ गई ये कोई भक्त का घर है। पहचान है, क्या लिखा था? राम राम लिखा था। इसी बात को लेकर एक बार रावण को क्रोध आ गया। किसी ने कह दिया, महाराज देखिए विभीषण के मकान पर तुम्हारे दुश्मन का नाम लिखा है। रावण आ गए, विभीषण ये क्या लिख रखा है दरवाजे पे, मेरे दुश्मन का नाम? विभीषण ने क्या जवाब दिया? भैया ये दुश्मन का नाम नहीं है, तो क्या लिखा है? कर रामा ने रावण और ममा ने मंदोदरी, भैया और भाभी को नाम लिखा है। रामा ने रावण और ममा ने मंदोदरी, तुम्हारा और भाभी को नाम लिख दो, मैंने और किसी का लिखा ही नहीं। रावण चला गया। चलो वही आते हैं, भगवत कृपा से नारद जी बोले, मैं संतों की सेवा करता रहा, समय बीत। अब मेरी माँ, मैं भजन नहीं कर पाता। मेरे मन में विचार आया, हे भगवान अब भजन कैसे करूं? माँ करती है संतों की सेवा और मैं करता हूँ मैया की सेवा। अब ऐसे को हो, नारद जी बोले, हे भगवान मेरी मैया खत्म रह जाए, मेरी माँ मृत्यु को प्राप्त हो जाए, जल्दी मर जाए। क्यों? तो मैं भजन तो कर ले, मोह जाल में बताऊ माँ के, और वो भी समय आ गया। काल का भेजा हुआ सर्प कहीं से चलाया, मेरी माँ गई गाय के खरक में गऊ का दूध धोने। माँ गऊ का दूध धोने गई, सर्प ने आके माँ को पैर में डस लिया। पैर में डसते ही माँ की मृत्यु हो गई। अब मैं समझ गया प्रभु की कृपा है गई, अब मैं भजन कर लेंगू। मैं नगर से निकला, वन में गया, एक पीपल के वृक्ष के नीचे अचेत हो गया। गर्मी का समय, मैं सो गया। क्या देखा? कुछ समय के लिए भगवान की झांकी हृदय में आ गई। झटपटा के बैठा हुआ, मैंने कहा अभी जो हृदय में दिखाई दे रहे थे भगवान, वो कहां चले गए? आकाशवाणी हुई, नारद इस जन्म में तुम्हें दर्शन नहीं होगा, अगले जन्म में दर्शन होगा, इस शरीर का त्यागन करो। नारद जी गए सुदामा नाम के पर्वत पर, जहां अग्नि अपने आप लग जाती है। सुदामा नाम के पर्वत पे गए, अग्नि का प्रकट हुआ, नारद जी की मृत्यु हुई। बोल भक्तों, चल भगवान की जय हो। जिसका जन्म हुआ है उसे मरना है। गीता में बताया है, अर्जुन जातस्यम ध्रुवम जन्मम ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जने हुए का जन्म का ध्रुव सत्य है मरना, और मरे हुए का ध्रुव सत्य है जन्मना। पर ये नहीं बताया कि किस योनि में जन्म लिया। सोने को शरीर या में लोह की न लागे कील,
और मोह की नदी में बैठ कवनो इतराऊगी। तेरी तो यानी नर लाखन चली गई और लाखन के आंगी नर तू ही चलो जाई गो। लदा लिए आयो ने लदाई लिए जाई गो और मुट्ठी मारे आयो और हाथ खोले जाई गो। तो यश की नगाड़े धरवाई दे द्वार बीच नहीं ये कांच कोसो शीशा कल काल फूट जाई गो। इस शरीर का भरोसा नहीं है कब विलीन हो जाएगा। भगवान का भजन नहीं किया, संतों की सेवा नहीं की, ब्राह्मणों की सेवा नहीं की, गौ की सेवा नहीं की तो संसार में जन्म होना व्यर्थ है। इधर भी सौरकाल ऋषि ने फिर प्रश्न किया, सूजी महाराज ये नारद के जन्म की कथा सुनी, अब हमें महाभारत चरित्र जिसमें परीक्षित का जन्म हुआ है, महाभारत सबसे बड़ा है, कहीं हुआ ही नहीं है आज तक। शिव पुराण, वाल्मीकि रामायण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण सब जगह हो जाते हैं पर महाभारत कहीं नहीं हुआ है। छोटी छोटी किताबें जरूर है, सूक्ष्म ही वर्णन बताया है। महाभारत में दो दल थे, कौरव और पांडव। पांडव पांच थे, इनके पिता पांडु, माँ कुंती। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र, माँ गांधारी। जब गांधार नरेश के यहाँ से भीष्म पिता माँ गांधारी को लाए, धृतराष्ट्र के साथ में विवाह किसने कराया? भीष्म पिता ने। उस वक्त गांधार नरेश से भीष्म पितामह ने कहा, गांधार नरेश गांधारी को दे दो। किसके लिए? धृतराष्ट्र के लिए। गांधार नरेश ने कहा, पितामह वो तो अंधे, अब ऐसा भी कभी होगा अंधे पति को अपनी कन्या को दे सकते हैं? धृतराष्ट्र ने मना कर दिया। पिता मैंने कहा, देखो नहीं दोगे तो मैं जबरदस्ती से ले जाऊंगा। गांधारी ने सोचा ये मानेगी भी नहीं, पिताजी कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में जैसे लिखे हैं पति वैसे मुझे स्वीकार है। कहते विधिना ने जो अंक डाल दिए वो मेटे नहीं जा सकते, मुझे स्वीकार है। जैसे पार्वती ने कही नहीं कि कर्म लिखा जो बाबर दोष लगाई काहू। जब मैना रानी ने थाली पटक दी, भोले बाबा देखे सर्प गले में लगे, मैना रानी बोली जल में गिर जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, पर ऐसे दूल्हा के संग में अपनी कन्या को विवाह नहीं करूंगी। वैसे ही यहाँ पर गांधारी ने कहा, पिताजी मुझे स्वीकार है, मेरे पति अंधे तो मैं भी पट्टी बांधे लेती हूँ। उस समय इसका भाई कौन था? देखो बहुत बड़ी रहस्य भरी बात है, भाई कौन था? शकुनी। बाने कही कि भीष्म पितामह तेने मेरी बहन का जीवन बिगाड़ दिया तो मैं भी तुम्हारे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं साथ ही चलता हूँ, दहेज में दे दू जी। शकुनी प्रण करके आया था मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं विनाश करा दूंगा। उसी से समय इसने संकल्प कर लिया था, साथ में आया। और साथ में जब आया इधर में 100 पुत्र हुए, इनके कन्या भी हुई। पांडव पांच थे, पिता पांडु को श्राप लगा हुआ था, मृत्यु हो गई थी, छोटे बालक के रूप में थे पांचों। धर्मपुत्र युधिष्ठिर, वायुपुत्र भीम, इंद्रपुत्र अर्जुन, अश्विनी पुत्र नकुल और सहदेव। अब पांचों छोटे बालक, राजा तो कौन है? पांडु के मरने के बाद में राजा कौन बना? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जब राजा बने
अब राजा का राज्य है, अब गुरु किसको बनाए? दुर्योधन ये भी छोटे छोटे थे, पांडव भी छोटे थे, सबसे पहले गुरु बनाना जरूरी है। बगैर गुरु के भवसागर से पार नहीं होते। गुरु बिन भवन बिन तरे कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के भवसागर से पार नहीं हो सकते। क्यों? गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देव महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में तीनों देवता होते हैं, दो अक्षर गु और रुगमाने अंधकार, रुमाने प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर जाए उसे गुरु कहते हैं। अब गुरु किसको बनाए? ये पांचों गेंद खेल रही थी, गेंद चली गई कुएं में, गेंद गई, अब निकाले कैसे? तब तक द्रोणाचार्य जी आ गए। द्रोणाचार्य ने कहा, बालकों क्या बात है, क्यों परेशान हो? महाराज हमारी गेंद चली गई जब पूजा में। द्रोणाचार्य जी ने कहा, तो मैं निकाल दूं? तो कि मैं निकाल दूं? हाँ के निकाल दूं? हाँ निकाल दूं। द्रोणाचार्य गेंद को कैसे निकाला? बाण दिया, एक बाण, दो बाण, बाणों की लेन लगा दी और बाण की नोक से गेंद को बाहर निकाल दिया। ये भूले बस इनके बड़ो गुरु को मिले, इनको ही गुरु बना। कौरव और पांडवों ने द्रोणाचार्य को गुरु बना दिया। कहते नहीं, पानी पिए छाड़ के वो गुरु करे जान के। जी पहले को जमानो, आज को जमानो कैसे हुए? पानी पिए छाड़ के और चेला करे जान के। नहीं ऐसे चेला है कि महाराज के आश्रम की सफाई कर जाते। कई किस्सा है ऐसे चेला को, बाड़ी का किस्सा है, बाड़ी का। बाड़ी में बावनी स्थान है, पुरुषोत्तम महाराज है वहां। वहां हम कथा करने गए थे, मलंगा के परिवार में भी कथा कर आए, दौलत राम के और चंद्रवान सिंह के। वहां एक आ गया ऐसे बनवारी बाबा मेन थे वहां गुनापुरा के, मरैया जी बाने के। कही महाराज जी, मैं जब मंदिर पे ही रह गया। महाराज बोले, रह गया भैया, कोई बात रह गए? एक दिना, दो दिना, चार दिना, दस दिना भे बाने लोभ दे, काय को दे रहो? बात चांदी के मुकुट छत्र दिख रहे, कृष्ण पे, राम जी पे, दुर्गा जी के माथे पे मुकुट दिख रहे, 1 किलो चांदी दिख रही। मरे महाराज जी, वो पे 3 बीघा जमीन है और बाबा जमीने बेच के मैं जे मंदिर पे ही लगाऊंगा। तब तो और महाराज जी विश्वास आए, ये तो सच चेला है। वो रुका, 15 दिन बाद उसने क्या नौटंकी कर दी, बाड़ी में से जहर लाया। ये सत्य कथा है, जहर लेके आया और भे जितने संत हते भोजन में जहर मिला दे, सबन खवा दे, सब बेहोश। रात के 12 बजे 2 बजे चांदी के छत्र मुकुट सबन पे उतार और धर झोला में और गायब। सवेरो भयो बाड़ी से घूमने को आवते तो घूमने वाले कह बोले, महाराज जी सीताराम। सीताराम का बोले, जग कमरन में तो बेहोश डली, मेंद साहब बेहोश, जिस कमरा में जावे ते सब संत बेहोश। एम्बुलेंस मंगवाई, हॉस्पिटल में ले गए, तब कहीं संत भगवान ठीक हुए। तो आजकल ऐसे चेला बनने को आ जाते हैं। चलो कथा भी और ही चलते हैं। हुआ वही, द्रोणाचार्य को गुरु बना लिया कौरव और पांडव, धनुष विद्या सीखने लगे। और धनुष विद्या में द्रोणाचार्य जी ने पूरा आशीर्वाद किसको दिया? अर्जुन को। अर्जुन, तुम सबसे बड़े धनुर्धर बनोगे, तुम्हारे समान संसार में कोई दूसरा धनुर्धर नहीं होगा। एक बार एक एकलव्य बालक आ गया, भील बालक। उसने कहा, गुरु जी मुझे शिक्षा दे दो। तो पहले ऐसा नियम था, शूद्र को शिक्षा नहीं देते थे। द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, तू शिक्षा लायक नहीं है, पात्र नहीं है। ठीक है, एक लंबे गया जंगल में, गुरु की माटी की मूर्ति बनाई और मिट्टी की मूर्ति बना के बाणों को चलाने लगा।
गुरु क्या होता है? अभ्यास ही गुरु होता है। अभ्यास करने लगा, इतना निपुण बन गया कि एक दिन ये पांचों पांडव शिकार खेलने वन में गए। कुत्ता इनके साथ में था, अजय भैया संजय, कुत्ता साथ में था। कुत्ता भौंकने लगा, कालू कलू के किसको देख के? एकलव्य को देख के। कुत्ता जैसे ही भौंका, एक बार दिया, दो बार दिए, बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। अर्जुन बोला, ये तो मुझसे भी बड़ा दुर्व्यवहार करे, जिसे शब्द भेदी बाण दिया, कुत्ते का मुंह सीन दिया। गुरु जी के पास में गए, गुरुदेव ये क्या, तुमने तो जोगी के संसार में तेरे समान दूसरा नहीं होगा, ये तो मुझसे भी बड़ा है, कौन है? चलो पांचों पांडव गए, कुत्ता भी साथ में गया। एक लव्य के आश्रम में पहुंचे, बोले भैया रुक, बाण दे रहा था। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हारा गुरु कौन है? कि आप ही तो है। अर्जुन बोला, ले सुन ले, तुमने गुप्त रूप में छिपके जाए शिक्षा दी है। द्रोणाचार्य ने कहा, मैंने तुझे सिखाया ही नहीं है। देखो महाराज, वो दो को माटी की मूर्ति है तुम्हारी, मैंने तुम्हारी मिट्टी की मूर्ति बनाई, आज्ञा लेता रहा और दंश मार चलाता रहा। तो तब तो भैया तुम मुझे दक्षिणा दे दे, दाएं हाथ का अंगूठा दक्षिणा में ले लिया। वही कथा की ओर, ये अर्जुन धनुर्धर निपुण हो गया सब में। अब कुंती ने विचार किया, ये मेरे छोटे छोटे से बालक हैं, ये भूखे रहते हैं, इनको भोजन नहीं मिल पाता है। कुंती गई महाराज के दरबार में, धृतराष्ट्र के, क्या कहा? संजय जिसको दिव्य दृष्टि थी, संजय बगल में खड़ा हुआ था। संजय ने कहा, महाराज कुंती आ रही है, क्यों आ रही है? एक रानी होगी दरबार में आना अच्छा नहीं है, पूछो क्यों आई है कुंती। महाराज ने कहा, कुंती दरबार में क्यों आई? बोले, महाराज मेरे पांचों बालक अनाथ हैं, अरे इनके लिए कुछ दे दो, भोजन तो करेंगे, कहां से भूखे रहती हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, दे दूंगा। तब तक आ गया दुर्योधन। दुर्योधन ने क्या कहा? मर जाने दो, कुछ नहीं दूंगा इनको। बेचारी कुंती दुखी होकर पितामह के यहां गई, पितामह तुम्हें कुछ दिलवा दो, दुर्योधन से कह दो। पितामह ने मना कर दिया, वो मेरी भी नहीं मानेगा। द्रोणाचार्य जी के यहां गए, द्रोणाचार्य, गुरु जी तुम कह दो। द्रोणाचार्य ने भी मना कर दिया, मेरी भी नहीं मानेगा, मैंने भी नहीं कहूंगा। बात उससे कही जाती है जो माने, जो माने ही नहीं, तादिका कहे।